3 और 2 3 आर आर का जो डिस्क्रिप्शन होता है वो रिजिड गाड़ियाँ होती हैं वो भारत बेंज की। मैं अगर इसके स्पेसिफिकेशन की बात करूँ, इसके इंजन के स्पेसिफिकेशन की बात करूँ, इसका इंजन जो है वो 30 HP का इंजन है। जो Bs4 है वो 235 HP का इंजन है। इसके इंजन के अंदर जो टेक्नोलॉजी है जो यूज़ हुई है वो फ्यूल सिस्टम का है। फ्यूल सिस्टम जो यूज़ हुआ है वो हार्ड सिलेंडर पे, क्योंकि यूनिट पंप लगा है। टाटा में देखोगे आप तो उसमें एक रोटरी पंप होता है, CIDI पंप होता है। अगर हम उसका पंप अगर फेलियर होता है तो गाड़ी पूरी की पूरी स्टार्ट नहीं होगी। अगर हमारा यूनिट पंप एक खराब, दो खराब और तीन खराब यूनिट पंप हो जाएंगे, उसके बावजूद भी हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी और वर्कशॉप तक पहुँच जाएगी। अगर हम इसकी लाइटों की बात करें तो लाइटों का फोकस भी काफ़ी बेहतरीन फोकस, एकदम क्लियरली सामने का दिखता है। और अगर हम इसके केबिन की बात करें, केबिन एयर और केबिन है, और केबिन का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी बेहतरीन डिज़ाइन है इसका दिया गया है। और इसके अंदर जो मटेरियल जो यूज़ किया गया है वो काफ़ी अच्छा मटेरियल यूज़ किया गया है गाड़ी के अंदर, केबिन के अंदर। और अगर आप और केबिन को आप देखोगे तो 2 साल या 2.5 साल में जो केबिन का जो रस्टिंग प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें जंग आ जाता है और काफ़ी दिक्कतें उसमें होने शुरू होती हैं। देखने में भी थोड़ा सा सब जगह से ढीला ढीला, उसके जो वेल्डिंग जॉइंट होते हैं वो भी ढीले हो जाते हैं। लेकिन इस केबिन के अंदर लगभग 4 साल हो गए हैं, समथिंग 3 साल 3 साल के लगभग गाड़ियाँ मैंने देखी हैं रोड पे, जो टिपर कंडीशन जो कंस्ट्रक्शन गाड़ियाँ हैं उनके मैंने केबिन देखे हैं। केबिनों में भी इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, कंस्ट्रक्शन में चलने के बाद भी केबिन में प्रॉब्लम हुई है। मैंने 4-4 लाख गाड़ी किलोमीटर चली हुई गाड़ियाँ देखी हैं, उनका भी केबिन एज इट इज़ सेम, नए में और पुराने में थोड़ा बहुत दिक्कत आता है। बाकी केबिन जो है एज इट इज़ सेम ही रहता है, कोई भी उसमें वेल्डिंग जॉइंट नहीं टूटता है। और हमें आपको जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो इसके केबिन के अंदर मैं आपको व्यू करके दिखाऊंगा कि केबिन के अंदर जो रूफ के अंदर क्या क्या चीज़ लगाई गई है और क्या क्या बेनिफिट्स हैं दूसरी गाड़ी से। इस गाड़ी में अगर आप टाटा को खरीदते हो, अशोक लेलैंड को खरीदते हो, तो इस गाड़ी को खरीदने में क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो मैं एक्सप्लेन करूँगा सारे के सारे बेनिफिट्स। कम ही अर्थ ये फुट स्टेप है इसका चढ़ने का, फेंडर्स को बोलते हैं। अगर हम इसके इस केबिन की बात करें, केबिन में जो ये रूफ लाइनर जो दिया है वो बहुत अच्छी तरीके से हीट को ऑब्जर्व कर लेता है। ये आप स्पेस दिया है, आप कुछ जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं। ये म्यूजिक सिस्टम के लिए दिया है, इसके अंदर ही म्यूजिक सिस्टम की वायरिंग भी दी गई है, यहाँ पे भी म्यूजिक सिस्टम की वायरिंग दी गई है। और ये जो है ये AC इंटीरियर है, जो AC का सिस्टम होगा वो यहाँ से ऑपरेट होगा। ये गाड़ी में ऑप्शनल है AC, अगर कस्टमर चाहता है कि AC लेना तो उसको वो AC ही मिलेगी गाड़ी। अगर ये जो केबिन है वो ये जो केबिन है डे नाइट केबिन है, पीछे जो है स्लीपर केबिन है, स्लीपर है यहाँ पे। और ये कंडक्टर सीट्स है यहाँ पे, जो सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल सीट दी है। इसको आगे की तरफ भी कर सकते हैं और पीछे की तरफ भी कर सकते हैं, इसको काफ़ी अच्छा स्पेस दिया है। फुल्ली आप जो रेस्ट कर सकते हैं ड्राइवर आराम से, 600 किलोमीटर चलाने के बाद भी, 500 किलोमीटर चलाने के बाद भी ड्राइवर को थकान नहीं होती, क्योंकि जो इसके इंजन की जो इंजन की पावर है वो 230 से 235 HP की, BS4 में 235 HP, इसमें 230 या 231 HP का इंजन है इसके अंदर यूज़ हुआ। तो जो जिस इंजन में ज़्यादा वाइब्रेशन होता है उस इंजन में ड्राइवर को ज़्यादा थकान होती है। इस इंजन में पुलिंग पावर भी काफ़ी अच्छी है, 810 न्यूटन मीटर का टॉर्क है इसके इंजन का। और BS4 की अगर हम बात करें उसमें 850 न्यूटन मीटर का टॉर्क है गाड़ी इंजन के अंदर। अगर हम इसकी डिस्प्ले की बात करें, इसकी स्टेयरिंग की बात करें इसकी स्टेयरिंग टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग है, ये न्यूमेटिक स्टेयरिंग है। यहाँ पे एक स्विचेस दिया है, आप इस स्विच को ऑन करेंगे, इसको केबिन को टिल कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, आप केबिन को टिल कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं और नीचे भी कर सकते हैं। देख ये 2 या 3 सेकंड में लॉक हो जाता है, आप इसको ऊपर भी कर सकते हैं और नीचे भी कर सकते हैं, जहां भी ड्राइवर जैसे ड्राइवर को कंफर्टेबल लगे वहां पे इसको एडजस्ट कर सकता है स्टीयरिंग को। अगर हम बात करें इसकी डिस्प्ले के अंदर काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए हैं। उन फीचर्स में डिस्प्ले के अंदर आप गाड़ी का माइलेज भी चेक कर सकते हैं, गाड़ी ने कितना डीजल खाया वो भी आप पता कर सकते हैं, कितने किलोमीटर चला वो भी आप पता कर सकते हो, कितना समय लगा
उसके बारे में भी आप पता कर सकते हैं। क्या होता है कि हमारे जो गाड़ी के अंदर डीजल चोरी होने का प्रॉब्लम्स होता है, डीजल चोरी हो गया है और उसका पता नहीं चल पाता कि किसने मतलब डीजल चोरी हुआ, गाड़ी ने कितना डीजल खाया, क्या मतलब ड्राइवर बोल देता है कि सर ये गाड़ी एवरेज नहीं दे रही है, और वो है ड्राइवर गाड़ी को डीजल बेच दिया या किसी ने डीजल निकाल लिया। तो इसके लिए हमारे जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसके अंदर उस डिस्प्ले में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, और मैं अभी वही इन्फॉर्मेशन आपको दिखाऊंगा कि किस किस तरीके से आप उस इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। देखिए, पहले हमने स्विच ऑन किया। स्विच ऑन करने के बाद डिस्प्ले के अंदर आप देखिए ये रोकर स्विचेस दिए हैं, ये रोकर स्विच है, ये डिफरेंशियल लॉक स्विच है, ये जो लिफ्ट एक्सल का स्विच दिया है, ये इंजन एग्जॉस्ट ब्रेकर स्विच है, ये हजार्ड स्विच दिया है, और ये एसी का ब्लोवर की स्पीड का स्विच है, ये एसी का लोकेशन है जो वेंटिलेशन होता है उसका स्विच दिया गया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हेडलैम्प का स्विच है, वन करेंगे आप टू वे स्विच है, फर्स्ट टाइम करेंगे पार्किंग लाइट ऑन होगी और सेकंड टाइम करेंगे तो हेडलैम्प ऑन होगी, उसके बाद फुल, उसके बाद डिपर और पास इसी से आप ले सकते हैं। इंडिकेटर आप इसको लगा सकते हैं, लेफ्ट और राइट इसी कॉम्बिनेशन से आप इंडिकेटर भी लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो वाइपर है, वाइपर चलाने के लिए जो कॉम्बिनेशन स्विच के ही अंदर एक ही स्विच के कॉम्बिनेशन में वाइपर का भी इनबिल्ट कर दिया है। वाइपर को चलाने के लिए जैसे हमने इसको पुश किया, तुरंत पानी वहाँ से आएगा और वाइपर ऑन हो जाएगा। अगर वाइपर की स्पीड हमें बढ़ाना है 1, 2, 3, 4 हम स्पीड भी बढ़ा सकते हैं वाइपर की, इसी से हम स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिस्प्ले की, कि डिस्प्ले में जो फीचर्स दिए हैं वो और गाड़ियों से और हमारी गाड़ी में क्या फ़र्क है डिस्प्ले के अंदर, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। अभी आपको दिखा रहा हूँ कि ये इस पर आरपीएम मीटर है, ये इसका ऑडोमीटर है, और ये इसका प्रेशर मीटर है, ये इसका फ्यूल मीटर है, फ्यूल गेज है इसके अंदर ये। और अगर हम बात करें जो गाड़ी का जो माइलेज आएगा वो इसमें आएगा, और जो टोटल किलोमीटर होंगे वो यहाँ होंगे, ये घड़ी का जो टाइम है वो यहाँ पे होगा। ये जो आप इंडिकेशन देख रहे हैं, ये लिफ्ट एक्सल जब ऊपर की साइड होंगे तो ये इंडिकेशन शो करेगा। ये इंजन का टेम्परेचर है, और हम इसको बाहर का टेम्परेचर चेक करेंगे तो बाहर का टेम्परेचर भी इसका 30 डिग्री है। हम इस बटन से आप अंदर और बाहर का दोनों का इंजन का और बाहर का इंजन टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। अगर हम बात करें ट्रिप की, तो ट्रिप में हम इस बटन को दबा सकते हैं और चेक कर सकते हैं ट्रिप कितना किलोमीटर का हमने किया है। अभी हमने इसका ट्रिप सिर्फ गाड़ी खड़ी थी और हमने इसका थोड़ा वीडियो शूट करने के लिए हमने जो थोड़ा सा टेस्टिंग की थी, चेक किया था। तो अगर हम इसको कंटिन्यूसली दबा के रखेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा ये, और इसको आप दबा के रखेंगे तो ये एवरेज भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ये इसका डिटेल्स। अब आप गाड़ी को लेकर आराम से चल सकते हो, जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक के डिटेल्स, वहाँ का एवरेज आपको इन्फॉर्मेशन इस डिस्प्ले में मिलेगा। अगर हम अब इसका हमें क्लियर अंदर का जो डेटा होता है वो कैसे हमें लेना है वो मैं आपको बताऊँगा। इसके ये दो स्विच हैं, इस स्विच को वन टाइम हमें इसको दबाना है। वन टाइम इसको दबाएंगे स्विच को नीचे की तरफ, उसके बाद हम इस स्विच को हम ऊपर की ओर से दबाएंगे। तो ये जो टूर है, ये टोटल किलोमीटर जब हम आपकी गाड़ी कितना किलोमीटर चल के आई वो बताएगा। उसके बाद आप इस स्विच को ऊपर की तरफ दबाएंगे तो ऊपर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एवरेज लिख के आएगा। इसके बाद आप इसको ऊपर से और दबाएंगे तो यहाँ पे इसमें लीटर कितना डीजल कंज्यूम हुआ, गाड़ी ने कितना डीजल खाया वो यहाँ पे डिटेल्स लिख के आएगी। और हम इसका बात करेंगे कि टाइम कि गाड़ी का जो कितना टाइम लगा गाड़ी आने में वो डिटेल वो यहाँ पे इसको आवर्स में लग जाएगा मिलेगा। अगर गाड़ी 160 किलोमीटर गाड़ी गई है ट्रिप पे और गाड़ी जो है दो दिन में आ रही है तो इन्फॉर्मेशन रहेगी कि हाँ इतना दूर का ट्रिप तो था नहीं लेकिन इतना टाइम कैसे लगा। तो आप यहाँ पर भी जो गाड़ी का टाइम देख जो गाड़ी चल के आई है उसका टाइम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 घंटे 3 घंटे जो इंजन चला है जितना समय लगा है गाड़ी को आने के लिए वो भी आप इसमें देख सकते हैं। अगर हम बात करें इसके पास जैसे डिस्प्ले के अंदर क्या होता है कि इल्यूमिनेशन जो होता है वो चमक जो ज़्यादा पड़ती है, ब्राइटनेस जिसको बोलते हैं वो ज़्यादा लगती है। पार्किंग स्विच आप ऑन करने के बाद जो प्लस माइनस के जो स्विचेस दिए हैं इनसे आप ब्राइटनेस कम कर सकते हैं, इससे बढ़ा सकते हैं और इससे कम कर सकते हैं आप। तो ये डिस्प्ले के फीचर्स हैं, अभी काफ़ी इसमें फीचर्स हैं, मेरे जो लास्ट वीडियो उसमें आप देख सकते हैं, मैंने इंटरनली पूरा एक्सप्लेन किया है। थोड़ा सा मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आप ये देखना चाहते हैं कि गाड़ी में जो हमने जो ECU जो लगाए हैं वो तीन ECU इसमें यूज़ किए गए हैं, चार ECU इसमें हमने यूज़ किए गए हैं, और भी 4 भी 5 भी और 3 भी ECU यूज़ किए गए हैं। अलग अलग मॉडल में अलग अलग तरीके से हमने ECU यूज़ किए गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी में कोई जैसे आपकी गाड़ी में कोई एरर कोड आ रहा है, यहाँ पर इस जगह पर
इस जगह पे MR, FR या INS कुछ भी लिख के आ रहा है और आप चाहते हैं कि मैं ये FR, MR, INS क्या चीज़ है और हम इसको कैसे देखें, तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं। आप इस स्विच को 1, 2 हम देख रहे हैं कि जो गाड़ी में जो डीज़ल है वो 23% है, 85 लीटर डीज़ल इसमें जो टैंक में शो कर रहा है। इसको मैं आपको दोबारा से इसको बता देता हूँ किस तरीके से इसको एक बार दबाए, टूर किलोमीटर आया, टोटल टूर कितना गाड़ी ने किया, उसके बाद आप इस बटन को ऊपर से दबाएंगे तो एवरेज आएगा। ये जो एवरेज का निशान आया, ये एवरेज लिखा है कितना एवरेज गाड़ी ने दिया। उसके बाद आप इसको दबाओगे डीजल कितना कंज्यूम हुआ, इसको एक बार आप दबाओगे तो कितना समय गाड़ी को आने में लगा, जो घंटे हैं वो कितने घंटे लगे गाड़ी को आने में, ठीक है। इसके बाद हम इसको इस स्विच को हम दबाते हैं नीचे की ओर, हम देखते हैं गाड़ी के अंदर डीजल कितना है। डीजल 85 लीटर, 23% डीजल इस गाड़ी के अंदर है। इसको हम एक बार और दबाते हैं तो टोटल इंजन जो आवर्स हैं वो कितने चल चुका है, 548 इंजन आवर्स चल चुका है। ये इंजन यहाँ पे शो करेगा आपकी गाड़ी जितना भी आवर्स चलेगी। इसके बाद आप इसको एक बार नीचे से और दबाएंगे तो आप अलार्म भी सेट कर सकते हैं किस समय आपको उठ के गाड़ी को ड्राइव कर रहा है, वो अलार्म आप सेट कर सकते हैं। मैं आपको एडजस्ट करने का तरीका बता देता हूँ। जैसे हमने इसको दबाया उसके बाद हम इस वाले बटन को ऑन किया और ठीक इसके बाद उसको हमने नीचे वाला ऑन किया, ऑन हो गया। ऑन होने के बाद उसके बाद हम आगे की ओर चले तो ठीक है 12 दिख रहे हैं, फिर इसी स्विच को नीचे दबाओ, जहाँ भी आपको सेट करना है, मिनट भी सेट करना है तो इसको आगे की ओर करेंगे, इस बटन को दबाएंगे तो आगे की ओर चला जाएगा वो, और उसके बाद आप इसको मिनट में भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको ऑफ़ करेंगे और अलार्म ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा ये अलार्म। इसके बाद टाइम भी आप इसको ऐसी ही सेम जैसे मैंने एजिटिस बताया है वैसे ही इसमें टाइम भी एडजस्ट होगा। उसके बाद ABS एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम, अगर ब्रेकिंग सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम्स होगी, आपको प्रॉब्लम्स हो रही है ब्रेक का ब्रेक की जो इंडिकेशन है वो यहाँ पे शो कर रहा है, तो आप ABS को भी चेक कर सकते हैं कि हमारे ABS सिस्टम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, अगर ओके की जगह 4 डिजिट का कोई एरर कोड आता है, आप किसी भी नियर बाई डीलरशिप को इन्फॉर्म करके आप बात कर सकते हैं कि मेरी गाड़ी में ये एरर कोड आ रहा है, हो सकता है कि आपके प्रॉब्लम वो रिजोल्व कर दें कि आपकी गाड़ी का वायर कट गया, वहाँ से आप वायर चेक कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी ब्रेकडाउन नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद आप इसको एक बार और नीचे से दबाएंगे, आप इसको FR के अंदर जो चेसिस में जितने भी कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जैसे एक्सीलेटर पैडल का जो सिग्नल है, और काफ़ी सारे सिग्नल हैं उसके अंदर, इंजन टू व्हीकल्स का पूरा डिटेल्स इसके अंदर मिलेगी आपको, आप यहाँ पे वो आप चेक कर सकते हैं। उसमें आपको ओके का निशान, इसको आप दबाओगे ऊपर की तरफ ओके का निशान आएगा, अगर कोई प्रॉब्लम्स होगी तो यहाँ पे एरर कोड शो करेगा। उसके बाद आप ये चेक कर सकते हैं INS का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो ये गैजेट्स दिए हैं और जो फ्यूल टैंक वगैरह दिया है उसमें कोई दिक्कत होगी, अगर उसमें कोई दिक्कत होगी तो आपको वो यहाँ पर ही शो करेगा एरर कोड, यहाँ पे 4 डिजिट का एरर कोड आएगा, वो आपको बताना होगा, ठीक है। उसके बाद आप इस स्विच को दबाएंगे MR का जो जितना भी MR एक इंजन में ECU लगा है, उस ECU से जो भी प्रॉब्लम्स होगी, जो भी इसके कंपोनेंट्स लगे हैं फेलियर होंगे, जो वायरिंग कट होगी या वायरिंग शॉर्ट होगी, उसका इन्फॉर्मेशन आपको ही यहां से मिल सकता है। आप इसको दबाएंगे और ये ओके, ये गाड़ी जो है, जो इंजन है वो इलेक्ट्रॉनिक इंजन है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक जो फ्यूल सिस्टम है वो इलेक्ट्रॉनिक से ऑपरेट हो रहा है, इंजन के अंदर भी काफ़ी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक है, वो इसलिए दिया गया है कि जो अनबर्न जो फ्यूल होता है उसको कम करने के लिए। लेकिन अब क्या है, अब उन्होंने और ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस कर दिया, BS4 गाड़ी लॉन्च किया है SCR सिस्टम के साथ। SCR सिस्टम से जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो बाहर निकलता है, अनबर्न जो धुआं बाहर निकलता है, उसकी प्रॉपर्टी को कम करने के लिए SCR सिस्टम यूज़ किया गया है। अगर हम इसकी डैशबोर्ड की बात करें, जो डैशबोर्ड जो दिया है पूरा फुल्ली मतलब कार जैसा डिज़ाइन किया गया है, आप इसके ग्लास ओपन करने के बाद आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे कि आप कार में ड्राइव कर रहे हैं। और भी मैं अभी थोड़ा सा गाड़ी के जो इंटरनली है, जो गाड़ी के अंदर जो फिटेड किए गए चीज़ें वो मैं एक्सप्लेन करूँगा, और मैं अब गाड़ी के नीचे जाता हूँ साइड में आपको दिखाने के लिए। अब मैं गाड़ी का साइड व्यू करता हूँ और मैं ये दिखाता हूँ, जो डीजल टैंक किया गया है वो 60 लीटर का डीजल टैंक इसके अंदर यूज़ किया गया है। इसके जो इंजन गेयर बॉक्स है वो 6 स्पीड गेयर बॉक्स है, 1 रिवर्स है इसके अंदर। अगर हम काफ़ी है और गाड़ियों से ज़्यादा इसका हाइट है। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, आपने देखा होगा टाटा के अंदर
जो बेल क्रैंक लगी होती है उसके बुश कट जाते हैं, हर 6 महीने में उसको रिपेयरिंग कराना पड़ती है। हमारी गाड़ी के अंदर जो सस्पेंशन दिया है सेमी इलेक्ट्रिक सस्पेंशन है, उसके अंदर ऑसिलेटिंग लीवर दिया है, उसका लगभग 3 लाख किलोमीटर तक लाइफ है। और आप टाटा को यूज़ करेंगे टाटा की गाड़ी में या अशोक लेलैंड में जो बेल क्रैंक सिस्टम है उसमें हर 6 महीने में 7 महीने साल भर में आप उसके बुश रिप्लेस कराता है, इसमें ऐसा नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं वो ये चीज़ है, ये ऑसिलेटिंग लीवर है जो कि इसमें मुर्गे नहीं दिए गए हैं। आप देख सकते हैं पीछे से भी इसको देख सकते हैं डिज़ाइन इसका। बस दो ये फ्यूचर्स सारे मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, जो इसमें एयर ब्रेक सिस्टम दिए, एक एयर ब्रेक सिस्टम है इसके अंदर, जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो एयर ब्रेक सिस्टम है, और जो बैटरी है इसमें 24 वोल्ट का बैटरी है, बैटरीज इसमें यूज़ किया गया है, जो हैंड प्राइमर जो पंप होता है जब डीजल ख़त्म हो जाए तो हमारी गाड़ी में एयर निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप डीजल फिलअप करिए टंकी के अंदर और पंप को दबाइए और 1 मिनट के अंदर अंदर आपकी गाड़ी 1 मिनट लगभग 1 मिनट से कमी लॉन्ग क्रैंकिंग 1 मिनट से लगभग कमी क्रैंकिंग करेगी और गाड़ी जो स्टार्ट हो जाएगी। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ अभी इसकी, इसका जो कैबिन जो टिल्टिंग सिस्टम है उठाने का कैबिन वो यहाँ पे है। आप इसको ऊपर के साइड, इसमें एरो देख रहे हैं आप, इसको ऊपर के साइड करेंगे लोग तो ये ऊपर की साइड कैबिन उठेगा, इस साइड आप करेंगे इस साइड इसको ऐसे घुमाएंगे तो नीचे की साइड कैबिन इसी रोड से आएगा। इसको चलाने का तरीका भी सेम एज इट इज़ यही है, अप डाउन करने के लिए सेम इसको ऐसे ही चलाना पड़ेगा। और ये केबिन आप देख रहे हैं कितना इजीली केबिन उठ रहा है, और गाड़ी में आपने देखा होगा जो छोटे मॉडल्स में होते हैं अब तो सब में काफ़ी अच्छा टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, और मॉडलों में देखा होगा कि केबिन को हाथ से उठाना पड़ता था, अब तो लकड़ी के भी केबिन होते तो उसकी ज़रूरत नहीं उठाने के लिए। इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, काम करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस दिया है, अगर इंजन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो जल्दी से जल्दी जल्दी काम प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाता है। लेकिन और गाड़ियों के साथ, और गाड़ियों आप देखेंगे तो गाड़ी के अंदर ही बोनेट होता है, उसको बहुत बहुत ज़्यादा टेक्नीशियन को परेशानी होती है काम करने में और टाइम भी ज़्यादा लगता है, और इसमें ऐसा नहीं है। इसका केबिन पूरा 67 एंगल पूरा 67 एंगल पर ये टिल हो जाता है, तो मैं इसका ज़्यादा इसको केबिन को उठाऊंगा नहीं, सिर्फ आपको इंजन दिखाने के लिए, इंजन की टेक्नोलॉजी बताने के लिए सिर्फ मैंने केबिन को जो है टिल करा है। और मैं अभी इसकी जो बात करते हैं हम, इसमें ये जो यूनिट पंप दिए गए हैं हर सिलेंडर पर, हर यूनिट पंप इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, यह इंजन ECU है, ये इसका कंप्रेशर है, और ये इसमें फ्यूल फिल्टर लगा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विस्कस फैन है इसके अंदर, जो कि गाड़ी का इंजन के परफॉर्मेंस को अच्छा बनाता है। इसके अंदर जो, और ये स्टार्ट स्टॉप स्विच है, आप इससे स्टार्ट भी कर सकते हैं गाड़ी, इससे बंद भी कर सकते हैं, केबिन उठने के बाद इग्निशन स्विच ऑन होगा, ऑन होने के बाद आप इसको स्टार्ट भी कर सकते हैं और इससे आप गाड़ी को बंद भी कर सकते हैं, और इसी से आप गाड़ी को एक्सीलेटर करके भी चेक कर सकते हैं कि गाड़ी के साउंड में कोई दिक्कत है या नहीं है, आप यहीं से ही वो सब कुछ कर सकते हैं। गाड़ी की न्यूट्रल पोजीशन है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, गाड़ी आप देखते हैं स्टार्ट हो गई है तो इसको दबाएंगे, गाड़ी बंद हो गई है, देखिए ये टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज़ की गई है और अदर्स कंपनियों में भी ये टेक्नोलॉजी जो नहीं आई है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी एक्सेलरेशन कैसे कर सकते हैं, अगर आपने गाड़ी में कोई काम किया है, काम करवाया है और गाड़ी के अंदर जो प्रॉब्लम्स है वो रिजोल्व हुई है या नहीं हुई है, तो उसमें कोई टिक टिक की साउंड है या नहीं है, तो आप इसको एक्सेलरेटर करके भी देख सकते हैं। जब गाड़ी को आप स्टार्ट करोगे पुश करके इसको रखना है तो गाड़ी का एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली एक्सेलेटर बनना शुरू हो जाएगा। ये गाड़ी की टेक्नोलॉजी है, आप इसमें एक्सेलेटर गाड़ी के ऊपर चढ़ने से, एक चढ़ के आप एक्सेलेटर दोगे परेशान होगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स इसके इसमें ही इंस्टॉल किए गए हैं कि जो इंजन के अंदर काम होगा, काम होने के बाद गाड़ी को स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने के बाद एक्सेलेटर देना है, तो वो सारा कुछ ऊपर से नहीं है, सब आप यहाँ से ही कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सर ये जो हमारा पावर स्टीयरिंग है उसका रिजर्वियर टैंक है, इसके अंदर जो फ्यूल होता है फिलअप होता है। ये हमारा एयर फिल्टर है, एयर फिल्टर के लॉक खोलने का तरीका ये है, यहाँ से खोल के आप एयर फिल्टर को देख सकते हैं कि एयर फिल्टर में हवा मतलब कितना ज़्यादा गंदा हो गया, कितना सही है ख़राब है, आप उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ख़राब होने पर, अगर ख़राब हो गया है तो आप रिप्लेस कर दो, उसका एक इंडिकेशन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मिलेगा आपको। तो ये, और ये जो है वो ये गेयर बॉक्स है, आप देख सकते हैं
सकते हो। गियरबॉक्स भी इसका डेमलर का अपना गियरबॉक्स है और काफ़ी अच्छा अभी तक का परफॉर्मेंस मिला है। इंजन का भी इतना ज़्यादा फेलियर नहीं है, गियरबॉक्स का भी इतना फेलियर नहीं है और डिफरेंशियल का भी इतना फेलियर नहीं है। डिफरेंशियल फुल्ली हाई क्वालिटी डिफरेंशियल दिया है इसके अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई है। मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है इस गाड़ी का, ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मार्केट में मिला है। और आप देख रहे हैं कि गाड़ी मार्केट में रोड पे अभी तीन साल हुए हैं डेमलर को लगभग इंडिया में आए हुए, और काफ़ी ज़्यादा गाड़ी बेच चुकी है। और आप देखें रोडों पे गाड़ी मिल रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के ऊपर जितनी अच्छी आप बेहतर टेक्नोलॉजी मार्केट में लॉन्च करेंगे उतना ही आपको प्रॉफिट होगा, कस्टमर को प्रॉफिट होगा। और जो एवरेज है और एवरेज जो दे रही है गाड़ी वो कस्टमर के प्रॉफिट के लिए है। मैं आशा करता हूँ कि मेरा जो वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करना मत भूलिए, कमेंट्स करना भी मत भूलिए। अगर कुछ टॉपिक छूट गए हों तो वो मुझसे कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।